पीएनबी का जितना टाइप्स का सेविंग अकाउंट आता है मैक्सिमम अकाउंट के बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। सारे वीडियो का लिंक मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा, या फिर प्लेलिस्ट पे आप चेकआउट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट पे भी मिल जाएगा, या फिर आपको मेरा चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगा। मेरा चैनल विजिट कर भी आप चेकआउट कर सकते, देख सकते। आज का इस वीडियो पे मैं बताऊंगा कि पीएनबी का एक और टाइप्स का सेविंग अकाउंट आता है जिनका नाम है पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट। पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट आखिर में है क्या चीज़, से बेनिफिट क्या है, फीचर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर में कौन कौन से अकाउंट खोल सकते, कौन कौन से अकाउंट को रख सकते हैं, पूरा डिटेल्स मैं इस वीडियो पे बताऊंगा, इस वीडियो पे दिखाऊंगा। इसलिए अगर आपको जानना है, अगर आपको पता करना है, तो वीडियो को ऐसे देखिए किसी भी जगह पर स्किप ना कर कर नहीं तो बहुत ज़्यादा मिस करते हो अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हो तो। सर देख, अगर बात करें पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट के बारे में, तो पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट एक टाइप का सेविंग्स अकाउंट ही है जो पीएनबी का जितना टाइप्स का सेविंग्स अकाउंट आता है उनके अंदर एक आता है पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट। जब अगर बात करें एलिजिबिलिटी का, तो पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट हर कोई खोल सकते हैं, हर कोई एज ए इंडिविजुअल इस अकाउंट को रख सकते, खोल सकते, जिनकी उम्र है 25 साल से लेकर 40 साल के अंदर है। अगर बात करें क्यूएबी का, क्वार्टरली एवरेज बैलेंस आपको रखना पड़ेगा 5,000 रुपीज का अगर आप पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो। अगर बात करें चार्जेस फॉर नॉन पेड डेज, तो अगर आप क्यूएबी चार्जेस जो देना नहीं चाहते हो, तो आपको मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस या फिर क्वार्टरली एवरेज बैलेंस जो भी बैंक की तरफ से कहा जाएगा वो आपको मेंटेन करना होगा। जैसे कि पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट के अंदर आपको क्यूएबी यानी क्वार्टरली एवरेज बैलेंस रखना होगा 5,000 रुपीज तक, लेकिन अगर आप 5,000 रुपीज नहीं रखते हो तो आपको नॉन मेंटेनेंस ऑफ क्यूएबी आपको चार्जेस देना पड़ सकते हैं। और ये जो चार्जेस वेरी करेगा कि कौन सा ब्रांच पे आपका अकाउंट है, और उस ब्रांच का अगेंस्ट ही ये चार्जेस लिया जाएगा, मतलब वो ब्रांच ही तय करेगा आखिर में कितना चार्जेस आपको देना होगा। और जो भी चार्जेस लिया जाएगा वो आपको अकाउंट के ऊपर डिपेंड करके भी लिया जाएगा, लेकिन अगर आप चार्जेस से बाहर जाते हो तो आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना ही होगा। अगर आप बात करें स्विप फैसिलिटी का, तो आपको स्विप फैसिलिटीज भी दिखा देखने के लिए मिल जाएगा अगर आप आपके अकाउंट के अंदर एफडी का तो। अगर बात करें एएमसी का, तो एएमसी वाइवर कर दिया जाएगा फास्ट ईयर के लिए, डिमांड अकाउंट के लिए। अगर आप डिमांड अकाउंट खोलना चाहते हो तो खोल सकते हो, लेकिन डिमांड अकाउंट के लिए जो चार्जेस लगता है वो नहीं लगेगा पहले साल के, लेकिन दूसरे साल से आपको डिमांड अकाउंट का चार्जेस देना होगा एएमसी। अगर बात करें चार्जेस पर इंश्योरेंस और रिचार्ज और वर्ल्ड ट्रेवल कार्ड अभी नहीं है, नील है। अगर बात करें हाउसिंग लोन ऑफर, तो हाउसिंग लोन ऑफर आप भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, जिनका ऊपर आपको इंटरेस्ट रेट भी डिपेंड करेगा, लेकिन आपका जब भी हाउसिंग लोन दिया जाएगा वो लास्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कैलकुलेट कर दिया जाएगा, यानी पिछले 3 साल आपका बैंक के साथ कितना रिलेशन ठीक है उनके ऊपर डिपेंड कर आपको हाउस लोन दिया जाएगा। अगर अगर बात करें व्हीकल लोन, एंड अगर आप व्हीकल लोन लेते हो तो आपका व्हीकल लोन का जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस लग जाएगा उस डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के ऊपर 50% का वाइपर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 15% डिस्काउंट ऑन लॉकर रेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डिमांड ड्राफ्ट आपको फ्री 24 NOS पर एनम देखने के लिए मिल जाएगा। मैक्सिमम 1 लाख पर या 2 DD पर मंथ कर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात करें चेकबुक का, तो चेकबुक फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा 25 पेज का चेक लिप्स, 25 पेज का चेक का लिप्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी भी आपका दिया जाएगा अगर आप चाहते तो आप ले सकते हो। डेबिट कार्ड नेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट रहेगा 50,000 रुपीज। ATM कैश विड्रॉल और एक्सीडेंटल एंड डेथ कवर और टोटल डिसेबिलिटी का कवर मिल जाएगा आपको 2 लाख रुपीज का, रुपीज तक का। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, पर कैलेंडर क्वार्टर टू कर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बाकी अगर बात करते नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अवार्ड आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बैंक की तरफ से दिया जाएगा अगर आप चाहते तो नहीं ले सकते, नहीं तो नहीं भी ले सकते, वो टोटली ऑप्शनल है। यही था कुछ डिटेल्स। और पीएनबी का पीएनबी सिलेक्ट सेविंग्स अकाउंट में है क्या चीज, बेनिफिट, फीचर्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से अकाउंट को खोल सकते, कौन कौन से अकाउंट को रख सकते, पूरा डिटेल्स में इस वीडियो पे बताया, इस वीडियो पे एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं मैंने एक्सप्लेन किया कुछ लोगों से। अगर फिर लाइक कमेंट शेयर मत भूले। सो तो वीडियो।